किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जो पांच प्रकार की जो हाइब्रिड सीड है जो बहुत ज़्यादा उत्पादन देती है और जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना होगा। साथ साथ इस चैनल में नए हो तो लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा ताकि आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं अमन कौशिक फिर से एक नए वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन किसान में स्वागत करता हूँ। तो सबसे मेन जो बात आती है धान की बुआई से पहले, तो जो किसान हाइब्रिड धान की बुआई करते हैं वो धान का जो बीज का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो पांच मैंने आज ऐसे चुनिंदा जिनकी परफॉर्मेंस और जिनकी उत्पादन जो क्षमता है वह रोग व बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है इन पांचों प्रकार की हाइब्रिड सीड में है। तो इसकी कीमत की जानकारी व इसकी किस्म की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, बायर कंपनी की आती है 6444 गोल्ड, एराइज 6444 गोल्ड पहले नंबर पर। किसान भाइयों, पांच प्रकार की जो हाइब्रिड सीड की जानकारी स्टूडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, जिनका परफॉर्मेंस, जिनका उत्पादन, बीमारियों से लड़ने की क्षमता व रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा है। इनमें से किसी भी एक बीज का चुनाव आप हाइब्रिड सीड के रूप में कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से भी जो भी बीज की जानकारी मिलेगी, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। आप अगर इसका उत्पादन लिए हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। और इनकी अवधि की बात करेंगे किसान भाइयों, तो ये लगभग 130 से 140 दिन की अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्में हैं। पहले नंबर जो 6444 जो गोल्ड आती है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी मैंने पहले वीडियो में बताई, उसको आप जाकर देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा किसान भाइयों, कावेरी सीड्स की आती है, कावेरी सीड्स की जो 468 जो वैरायटी आती है हाइब्रिड सीड, इसकी जो उपज है बहुत ही ज़ोरदार है। और इसकी अवधि की बात करें, ये 115 से 120 दिन की अवधि में तैयार हो जाती है। बीज की जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है, इसकी जो बीज दर होगी वो 5 से 6 kg आपके नर्सरी के लिए पर्याप्त होगी किसान भाइयों। तो उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर जो टॉप जो हाइब्रिड बीज है, सिजेंटा कंपनी की S7002 नाम की ये वैरायटी, आप डिस्प्ले में इसकी जो फोटो है आप देख सकते हैं। ये लगभग इसकी जो हाइट है किसान भाइयों 110 सेंटीमीटर तक आती है। इस प्रकार इस इनमें से किसी भी एक जो हाइब्रिड सीड का उपयोग आप अपनी धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं पायोनियर सीड की जो हाइब्रिड सीड आती है 28P67 जो वैरायटी है, बहुत ही ज़ोरदार परफॉर्मेंस देती है। इसकी जो धान की जो क्वालिटी है, उत्पादन है, बहुत ही अच्छी आती है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी विस्तृत जानकारी लेकर आपके लिए आएंगे। पाँचवें नंबर पर हम बात करते हैं VNR कंपनी की वैरायटी जो आती है 2111 और 2245 जो हाइब्रिड सीड है, इसकी जो बीज दर है आपको लगने वाली है लगभग 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से नर्सरी तैयार करने के लिए काफ़ी होगी। ये जो मैंने जो वैरायटी बताई है, ये पांचों जो वैरायटी है किसान भाइयों, आपको लगभग 300 रुपये kg के हिसाब से या 350 kg के हिसाब से आपके मार्केट में क्या प्राइस है आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। इनमें से किसी भी एक बीज का चुनाव आप आपके हाइब्रिड सीड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित है। इनमें से कोई भी एक बीज का चुनाव आप अपनी बुआई के लिए कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी किसानों को शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।